एनालिसिस पक्का कर लिया करो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और लोग ऐसे पढ़ते जाते हैं, ऐसी पता नहीं क्या मॉक बना रहे हैं। हम लोग जैसे मॉक बनाए आपके रियल कैट मॉक, उसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ मच ऑफ रिसर्च एंड साइंस हैज गॉन बिहाइंड दैट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डर भी ऑन कर दिया, चलिए फुल कंसंट्रेशन फॉर द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स और ध्यान से, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि आई एम अहमदाबाद जब पेपर सेटर है तो वो उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी किया हुआ था, बट अपन आज और डिटेल के अंदर जाएंगे और समझ लेंगे और इसके बेस पे मेरा एक्सपेक्टेड पैटर्न भी आपके सामने आएगा, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन, ओके, नो साउंड, ज्वाइन अगेन, ओके ज्वाइन अगेन, ओके ग्रेट, ठीक है भाई, चलिए शुरू कर रहे हैं, लेट्स बिगिन। अच्छा, टाइमिंग वाइमिंग पता आप लोगों को, टाइमिंग वाइमिंग सबको याद हो चुके हैं, है ना भाई। वेंसडे को आना है, पढ़ाई करनी है, 40 डेज चैलेंज आपको पता ही है, आराम से बैठ के इसको सेट करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के हर मंडे और हर वेंसडे को वोकैबुलरी करेंगे। और आपका मॉडर्न मैथ्स चल रहा है, इसमें पूरी की पूरी मॉडर्न मैथ्स की तैयारी करनी शुरू करेंगे, नंबर वन, ठीक है। दूसरी बात, इस हफ्ते का टारगेट आपका है, दूसरा DILR के अंदर अपन लोग DI के केसेस कर रहे हैं और मिक्स क्राफ्ट को टाइम सेट कर रहे हैं, ये आपका एजेंडा होना चाहिए। चलिए भाई शुरू कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। 2005 से लेके 2008, फुल कंसंट्रेशन, 2008, 2005 से लेके 2008, स्लॉट एक ही स्लॉट होता था, ठीक है, एक ही पेपर, एक ही स्लॉट, क्वेश्चन आते थे 75, 75 मिनट्स होते थे 150, नंबर ऑफ सेक्शन 3, नंबर ऑफ सेक्शन 3, थ्री सेक्शंस। ये स्पैम कौन कर रहा है, देखिए जो स्पैम कर रहे हैं प्लीज़ कैटकिंग वाले एडमिन टीम उनको बैन कर दीजिए, आगे चल रहे हैं, ठीक है। सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, तीन सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे तीन सेक्शन है। ये कब तक तीन सेक्शन चलते रहे 2010 तक तीन सेक्शन चलते रहे, क्वांट, DILR और SI, ठीक है, क्वांट का एक सेक्शन, DILR का एक सेक्शन और वर्बल का एक सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चंस कितने आ रहे थे ध्यान से देखिए, 25 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
2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट पर क्वेश्चन वॉज द टाइम गिवन। इसके अंदर कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं होता था, पूरे के पूरे 50 मिनट कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है, सुन लो, 2 मिनट पर क्वेश्चन, यहाँ तक 2 मिनट पर क्वेश्चन था, उसके बाद सडनली इंक्रीज किया गया 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से आगे चल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से कम कर देंगे। यहाँ पे भी ये वाली चेंज इस साल होना शुरू हुआ है, ठीक है, 2005 से लेके 2008 तक का पेपर एकदम जी फाड़ पेपर आता था, मतलब तुम चेक कर लो एक बार, पेपर सॉर्ट करो, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें, सॉल्व करो उसको, मतलब जेई की फीलिंग आ जाएगी तुम्हें, ऐसा पेपर आता था, ठीक है, और इसलिए सारे 80-90-95% इंजीनियर ही जाते थे। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, 2009 में आई एम अहमदाबाद आया, उन लोगों ने पहले बोला भाई हम ऑनलाइन करेंगे और 15 मिनट का स्लॉट देंगे, 15 मिनट का एक ट्यूटोरियल भी देंगे, बिकॉज ऑनलाइन था, ठीक है, और क्वेश्चन रहे 60 ही, उन लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं करी, और 150 मिनट, ये भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे हो जाता है आपका 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, विच वॉज अ गुड टाइम। तो आई एम अहमदाबाद लर्निंग नंबर वन कि भाई 2.5 मिनट पर क्वेश्चन देना शुरू किया। आगे आई एम लखनऊ 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, आई एम कैल ने आके थोड़ी चेंज की 2.3 मिनट पर क्वेश्चन। तो हर साल हर आई एम कुछ ना कुछ चेंज करता है। जब भी आई एम अहमदाबाद आता है, याद रखिएगा उन लोगों ने क्या किया, 3 सेक्शंस को कंटिन्यू किया था, ठीक है, 3 सेक्शन को कंटिन्यू किया था। बाय द वे 2005 में भी ना पेपर सेटर आई एम अहमदाबाद था, तभी ये 100% ट्रू नहीं है, बिकॉज इतना लिखा नहीं हुआ है, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2005 भी आई एम अहमदाबाद था, उन लोगों ने भी 2 सेक्शन से 3 सेक्शन करना शुरू किया था, यहाँ पे 3 सेक्शन आने शुरू हो गए। चलता गया 2013 में सेम प्रोसेस लगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 30-30 के 2 सेक्शन कर दिए थे 2011 में। 2011 से लेके 13 तक सिर्फ 2 सेक्शन हुए, 3 ईयर में याद रखिएगा। तो भाई 3 साल में सिर्फ 2 सेक्शन हुए और टाइम 2.3 मिनट पर क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा कम नहीं किया गया। बट फिर आई एम इंदौर दो सेक्शन अहमदाबाद आया 2015, यहाँ से स्टोरी थोड़ी अच्छी होनी शुरू होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। 2015 बहुत अमेजिंग चीज़ है, इन लोगों ने क्या किया, एक ही दिन में 2 स्लॉट्स मारे, ठीक है, 2 ही स्लॉट करेंगे अपन, 100 क्वेश्चन का पेपर आया, ठीक है, 100 क्वेश्चन का जो लीनियस था वो आई एम इंदौर ने चेंज किया था। वेन एवर आई एम इंदौर कम्स दे ब्रिंग इन सम चेंज, उन लोगों ने 100 क्वेश्चन दिए और आई एम अहमदाबाद ने लेगेसी को कंटिन्यू किया, बट अगेन उन लोगों ने टाइम ज़्यादा दिया, 180 मिनट, 10 मिनट ऐड कर दिया यहाँ पे। तो भाई आई एम अहमदाबाद क्या कर रहा है, अगर समय ज़्यादा है, ध्यान सुनिए, अगर समय ज़्यादा है तो क्वेश्चन कम होने चाहिए, अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो भाई समय बढ़ा दीजिए, ठीक है। पिछली बार कोविड के चलते ये हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, इस बार आई एम अहमदाबाद आ रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि यार, क्योंकि बच्चे अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं,
राइट आई एम अहमदाबाद पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 34, 34, 34 और 32, ये पहली बार ये वाला सेक्शन आया जहाँ पे दो सेक्शन की प्रथा को दोबारा चेंज कर दिया गया, जो आई एम अहमदाबाद का फेवरेट था, विच वॉज थ्री सेक्शन अगेन। अभी एट प्रेजेंट अनाउंस कर दिया गया कि तीन ही सेक्शन होंगे, इसलिए अपने को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट ध्यान देने की जरूरत ये है कि आई एम अहमदाबाद ने टाइम पर क्वेश्चन चेंज किया, 1.7 मिनट से 1.8 मिनट किया, ठीक है। तो मुझे लगता है जो ये कैलकुलेशन है जो 1.8 मिनट पर क्वेश्चन की, पता नहीं लोग करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पर मुझे लग रहा है कि आई एम तो पक्का करता ही होगा। उन लोगों ने क्या किया, आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकटा सेम उन लोगों ने लीनेज बना के आगे दी आई एम इंदौर तक। लास्ट ईयर आई एम इंदौर ने पेपर चेंज किया, वो हर साल चेंज भी करता है फॉर श्योर, वो हर बार चेंज ही करता है फॉर श्योर, पर उन लोगों ने चेंज किया था और बोल के कोविड है, तो उन लोगों ने क्वेश्चंस बहुत ही ड्रॉप कर दिए और टाइम पर क्वेश्चन रह गया 1.5 मिनट। नाउ व्हाट आई फील, अहमदाबाद हैज पिक्ड अप द पेपर एंड दे सॉ द पेपर एंड दे व्हाट द फक इज दिस, दिस इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ डी आई के सेट, सच काइंड ऑफ डी आई आर के सेट, सच काइंड ऑफ बड़े क्वेश्चन ऑफ आर सीज इन डेढ़ मिनट, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, और इस बार अनाउंस किया गया कि क्वेश्चन हमारे कम होंगे। क्विक 5 सेकेंड ब्रेक आयु गए नहीं, क्विक 5 सेकेंड ब्रेक आयु गए नहीं, सुन रहे हो ध्यान से, यस 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 यस, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सारी की सारी हिस्ट्री, ठीक है। बड़ी मेहनत जाती है एक एक ये सब निकालने के लिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो निकाला आप लोगों, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट स्टफ व्हाट हैपेंस राइट नाउ इज, जिसपे आपको ध्यान देना है, जिसपे आपको ध्यान देना है, अभी कुछ चीज़ें फिक्स रहने वाली हैं। पहली बात, 40-40-40 मिनट क्वेश्चन फिक्स रहने वाले हैं। समरी ये, इंदौर भी कुछ कुछ नटखट बातें करता है, अहमदाबाद भी कुछ कुछ नटखट बातें करता है। बेस्ड ऑन दिस, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड हाउ योर मॉक्स आर गोइंग बी असाइंड राइट नाउ। नाउ कितना कितना पैटर्न एनालिसिस हो सकता है, ये जो 60 क्वेश्चन वाला है ये भी हो सकता है, बिकॉज 60 क्वेश्चन वाला आया हुआ है 2008 में एक बार, 2008 में। पहले सब देखते हैं एनालिसिस, फिर देखते हैं हमारे लिए कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। 60 क्वेश्चन आर द मिनिमम, इससे नीचे 55, 52, 54 नहीं करेंगे, वो आईआईटी का एग्जामिनेशन बन जाएगा, इट्स नॉट गोइंग बी हैपनिंग, नंबर वन, ठीक है। आगे दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कम्स एट 64 क्वेश्चंस और 66 क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये वाली ऑप्शन इतनी ज़्यादा, इसको मैं एक्स मार्क कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और समय तो उतना ही है, ज़्यादा कम हो जाएंगे, थोड़ी ऑप्शंस कम होंगे। मतलब 76 क्वेश्चन से अपन लोग सीधा 16 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन सो फार, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 68 क्वेश्चन, अगर 68 क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज मोस्ट लाइकली, मुझे फीलिंग आ रही है 66-68 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए, और अगर 72 क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते, बिकॉज यार वो इतना हल्ला नहीं करते, मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था आप लोगों को, वो इतना हल्ला नहीं करते, हमने क्वेश्चंस कम कर दिए, हमने क्वेश्चंस कम कर दिए, अबे चार ही सवाल करने से क्या होगा भाई यार, क्या फर्क होगा, चार सवाल मतलब एक सवाल डीआई से, एक सवाल डीआई का कम कर दिया सेट में से, एक सवाल एलआर का कम कर दिया, एक आरसी में क्वेश्चन निकाल दिया, और एक क्वेश्चन तुम्हारा क्वांट का कम कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है, राइट। तो 70 क्वेश्चन से लेके 66 क्वेश्चन तक ये जो तीनों बेट हैं, यहाँ पे आप लोग खेल सकते हो, ये जो नीचे वाली ऑप्शन है ये लीस्ट लाइकली ऑप्शन है, ठीक है। 5 सेकेंड ब्रेक आयु गाय चौधरी, इतना समझ आ रहा है, हाँ या ना, आगे बढ़ते हुए इतना समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जब करोगे, आप इस पे बेस पे प्रैक्टिस करोगे, इसके अंदर से भी एक और याद रखिएगा चीज़, कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब 24 मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर ऐसे बनेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन द एनालिसिस, सिर्फ आज से कुछ 10 साल पहले, इनफैक्ट 2011-12 तक जब भी था तब होता था, नहीं तो हर बार ऐसे 34-34-32, 34-34-32, मतलब DILR के दो सवाल कम और बाकी, उसके पहले इक्वल सवाल भी आया करते थे, तो इक्वल सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले इक्वल सवाल मतलब 20-20, पर कुछ पिछले 5-6 साल से जो अगर हम देखें तो ऐसा है कि 34-34-32, ठीक है। तो इस बार जो हम देख रहे हैं, जो पिछली बार भी हुआ था, 26-24-26, ठीक है, 26-24-26, ये 24 ऐसा करके, दिस इज गॉन बी द लाइकली बेट एज वेल, विच मीन्स 24-22-24, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 70 हो गए क्या, हाँ, दिस लुक्स लाइक अ गुड बेट फॉर श्योर, बट इससे अगर और कम करना हो तो 66 क्वेश्चन पे भी अपन जा सकते हैं। टाइम पर मिनट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 66-68 मिनट, 1.8 मिनट तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 22-22-22, 25-25-25, वो डिपेंड करता है, पर मुझे लग रहा है दिस इज गॉन बी ए गुड पैटर्न दिस टाइम, बट ऊपर नीचे प्लस माइनस वन सवाल आना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव डन फॉर यू, इंपॉर्टेंट स्टफ, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, देखो भाई वेरी गुड क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल यार उतना ही रहेगा जितना लास्ट टाइम था, मैं आपको हैक करके बताता हूँ। यार पिछली बार का जिन लोगों ने कैट दिया है
डू यू गाइज एग्री डी आई एल आर वॉज डिफिकल्ट, जस्ट टाइप इन एग्री एग्री एग्री, डी आई एल आर वॉज डिफिकल्ट, जिन लोगों ने कैट दिया बाकी चुप रहेंगे, जस्ट टाइप इन एग्री, ओ बहुत सारे एग्री आए, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट, मतलब कई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर आगे हल्ला कर रहे हैं, अबे ये क्या पेपर दे दिया ऐसे, इट वॉज डिफिकल्ट, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, बट इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क यू इज, भाई 8 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, अब तुम एग्री 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 करोगे दोबारा, 8 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे 24 में से इजिली, हाँ भाई टाइप करो, हाँ भाई चाहे स्लॉट 1 था चाहे स्लॉट 2 था, एग्री एग्री बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई 8 क्वेश्चन बनाने हमेशा इजी होते हैं, सब लोग एग्री 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 कर रहे हैं, ठीक है। डी एल आर इजी था, क्या आर सीज लेंदी थे, पिछली बार का वर्बरेबिलिटी बिल्कुल मुश्किल था, वो इतना इतना जितना मुश्किल आता है वो मुश्किल ही था, इतना बहुत ही मतलब ऐसे ही मतलब जी फाड़ नहीं था कि भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इट वॉज डुएबल, इट वॉज एट पर द योनेसेस, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन थे, ऑनेस्टली आपको 3000 वर्ड पढ़ने को बोलता हूँ मैं यार, ये तो कुछ भी नहीं था, आपके जो मैंने आरसी करवाए हुए हैं एक 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 लाइन लाइन में, बड़े बड़े आरसी के अपने 350 वर्ड 400 वर्ड, राइट, जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किए सब करेंगे अपन तुम्हारे साथ बैठ के, राइट, अभी 2 महीने पढ़े अपन, तो भाई लेंदी आरसीज आते थे, उससे बढ़िया चीज़ कुछ कर नहीं सकते। नाउ आई एम अहमदाबाद हेट्स ग्रामर, आई एम अहमदाबाद हेट्स ग्रामर उन लोगों ने निकाल दिया था, 2014 तक ग्रामर आती थी, आई एम अहमदाबाद हेट्स डायरेक्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, भाई वोकैबुलरी आज मेरा टॉपिक वोकैबुलरी का ही है, बट आई एम अहमदाबाद लव्स कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी, कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी मतलब अगर तेरे को मतलब नहीं पता है, मैं तेरे को लाइन के अंदर एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड का तेरे को मतलब आना चाहिए भाई, सीधी बात है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई वर्बल एबिलिटी का लेवल ऑलरेडी अप हो चुका है, नाउ विच यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट, क्वांट का लेवल और नहीं बढ़ा सकते, क्वांट का लेवल क्यों नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज नॉन इंजीनियर चाहिए चाहिए चाहिए। चंदा कोचर एक्स सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा था कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ कैट सीईटी एक्सेट्रा इज सो स्टूपिड, यहाँ पे मैथ्स का लेवल इतना मुश्किल होता है कि इंजीनियर ही आ पाते हैं, क्लास की डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये उन्होंने लिखा था। अभी चंदा कोचर इज नॉट नोन फॉर ऑल द गुड रीजन, बट बहुत स्टडबंदी हुआ करती थी अपने 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 जमाने में, तो क्वांट का लेवल उतना ही रहेगा जितना अभी तक लेवल है, तो मुझे लग रहा है इफ़ यू बी सॉल्विंग 2015 से लेकर 2018 तक का पेपर, इट्स गोना बी वन सेट। एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ बिफोर यू टॉक अबाउट द रियल कैट मार्क्स, यार अगर हम पेपर देखें ना यहाँ पे, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके अगर हम पेपर देखें ना यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि यार 2015 2016 2018 2019 दिस पेपर ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज टफ, इट वॉज टफ, इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा ईजी होना शुरू हो गया, विच वॉज मॉडरेट आई वुड से, ठीक है, मॉडरेट, और धीरे 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 इन लोगों ने वर्बल और डी आई एल आर का लेवल को किया अप, और क्वांट का लेवल इन द हिस्ट्री पास्ट 10 ईयर्स हैज बीन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो क्वांट का लेवल हैज बीन रिड्यूसिंग, डी आई एल आर का लेवल हैज बीन गोइंग अप सब्सटैंशली, एंड वर्बल एबिलिटी का लेवल इज नॉट गोइंग सुपर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डी आई एल आर, बट जो वर्बल एबिलिटी का जो ग्राफ है जो टेंजेंट है वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, विच इज नॉट गोन बी दैट डिफिकल्ट, बट उन्होंने जितना डिफिकल्ट किया था इससे ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स हु स्क्रूड अप देयर वर्बल एबिलिटी लाइक क्रेजी एंड दे हैव एनालाइज द पेपर देमसेल्फ। एक कैट का पेपर सेटर हमेशा अपने स्कोर का, यार स्कोर का एक्सेल शीट तो मेरे पास भी आ जाता है, सब बच्चों के पास आ जाता है, राइट, तो यार एक स्कोर का शीट से वो देखते हैं यार इतने होशियार बच्चे बेचारे वर्बल में नंबर ही नहीं ले पाए, राइट, बिकॉज पेपर। बट एक बात उनकी भी है यार, कल को जब तुम आईएम्स जाओगे वर्बल इतना इंपॉर्टेंट है, वहां जाके हार्वर्ड की केस स्टडीज करनी है यार, वो हार्वर्ड की केस स्टडी 100 पेज 200 पेज 300 पेज की होंगी यार, वी शुड बी एबल टू सॉल्व दोस केस स्टडीज एज वेल, राइट, इसलिए वो तुम्हें आदत डलवाना चाहते हैं, एओन एसेज पढ़ो, स्मिथसोनियन पढ़ो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लास्ट 2 मिनट और बताने वाला हूं, एनी आर यू गाइस विद मी, ऑल गुड, मजा आ रहा है, ऑल गुड, ठीक है। लास्ट स्लाइड, what we have done for you, we have done these 11 beautiful mocks, okay, badi mehnat karke, me along with, main to chalo abhi Portugal trip pe hu, but I'm working along with you guys, so we are daily having daily calls with all the team, aur bahut hi amazing tarike se aap logon ke liye 11 mock banaye gaye hain, these 11 mocks are 1.8 minute per question ke upar niche plus and minus j, theek hai, LOD level has gone to little bit on the difficult side, hum logon ne thoda level badhaya, but aap log dekh sakte ho ki cat ka time table, cat ka paper aur iska schedule aapko kaafi helpful rahega, jin logon ne cat 2020 diya hua hai, they will agree to this ke is bar real cat mocks are going to be equivalent to that, 10% main bolunga ki thoda sa difficulty level upar gaya hai, wo actually difficulty level upar nahi hota hai, par naye question banate hain hum aapke liye, to naye question us samay aapka dimag chalna chahiye isliye mushkil lagta hai, but do you guys agree when you see the paper after you're done you find it easy, yes or no, yeah, जब तुम उसी पेपर को एग्री 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 करो, हाँ भैया ना, तो जब बाद में देखते हो तो हो जाता है, राइट, यही कैट के दिन तुम्हारे साथ होने वाला है, जब बाद में देखते हो तो हो जाना है, राइट, तो मॉक्स के अंदर चेंज हो चुके हैं, डैशबोर्ड पे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, जो पुराने वाले मॉक तुमने दिए हुए वो तुम्हारे लिए वैसे ही रहेंगे, और सारे के सारे टॉपर्स भी बैठ के हर मॉक का तुम्हारे लिए एनालिसिस भी करना शुरू कर रहे हैं, और सुधांशु सर 12 से लेकर 3 बजे तक तुम्हारे लिए बेड़ा पार कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर द रियल कैट मॉक्स वी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, तेरे को 2 घंटे का मॉक देना है,
या तेरे को 2 घंटे का मॉक देना है, उसके बाद तेरे पास 2 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा जहाँ पे एक टॉपर तेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करके कर रहा है। दे आर अमेजिंग, इतने टाइप इन अमेजिंग इफ दे आर अमेजिंग जो लोग दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद 3 घंटे सुधांशु सर को तो तुम गाली दे ही नहीं सकते, सुधांशु सर सबके प्रिय है, सुधांशु सर तो ओपी है, वो 3 घंटे और। भाई 5 घंटे तेरे पास कैट किंग लगा रहा है तो बेटा तू 2 घंटे तो मॉक दे। अमेजिंग अमेजिंग लव है वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अमेजिंग अमेजिंग ही इज गॉड, बिल्कुल। तो यार इतना मेहनत करे वो, क्वांट के टीचर होकर वर्बल भी कराते हैं तुम लोगों को यार, तो उनके साथ बैठ के सेट करेगा एंड स्टार्ट स्लोली एंड गेट इन द सिस्टम एंड तुम्हारा बेड़ा पार होगा। एवरीवन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर मॉक्स, पीपल हैव जॉइन इन रिसेंटली, अभी आगे पीछे अगले ज्वाइन करने वाले हो, जब भी आने वाले हो मॉक्स देने आपको शुरू करने हैं, ठीक है भाई? ऑल गुड, यस और नो? ऑल गुड, ठीक है, ग्रेट स्टाफ, गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम, ओके लवली। All right, boys and girls, so these are like some amazing, amazing sessions, amazing, amazing mocks for all of you guys. अगर तुम serious हो अपनी preparation के बारे में, आप लोग भी ये mocks को ले सकते हो। You guys go to the dashboard and click in here. यहाँ पे आप लोगों को link दे दूंगा मैं नीचे। Cat King 2021 mock series पे click करिए और आप लोगों के लिए turbo mocks आ देंगे। The price is 1999 and there are amazing mocks available for you. हर mock को solve किया जाएगा, check करिएगा। जितने भी number आ रहे हैं, all the toppers, you have to start giving these mocks. हर मॉक का एनालिसिस भी देखिएगा। एवरी मॉक इज सॉल्व्ड बाय अ टॉपर, डैशबोर्ड पे हर बंदा एक एफएमएस का टॉपर आप लिए 2 घंटे सॉल्व करके दिखाएगा कैसे उन लोगों ने मॉक किया है, ठीक है? वो बहुत ही एनालिसिस, उसको बोलते टॉपर एनालिसिस। तो ये मॉक लीजिए एंड इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप ऑन।